अस्सलाम वालेकुम। तो यार क्या हाल चाल है तुम सबको? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे, खुशबाश होगे। सो एनीवे यार, आज का व्लॉग करते हैं कंटिन्यू। और आज के व्लॉग में बस मैं हूँ, तुम लोगों और बातें। बज रहे हैं शाम के 4:30 और नमाज का वक्त हो चुका है। सो अभी हम लोग चल के पढ़ते हैं नमाज और उसके बाद तुम लोगों को अपना ठिकाना दिखाने का। सो हम लोग चलेंगे यहाँ ऊपर, यहाँ पे पहाड़ियों पे। हम इस पहाड़ी पे जाएंगे, देखते हैं क्या कुछ सीन होता है। बाकी तुम लोग देख सकते हो यार, व्यू बड़ा प्यारा है फिलहाल के लिए। मंजियाँ छंजियाँ चर रही हैं और चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। मैं आया था कुछ वीडियोस वगैरह बनाने, ऊपर ये ट्राइपॉड भी पड़ा हुआ है, वीडियोस वगैरह तो नहीं बनाई। सो एनीवे चलो चलते हैं और चल के तुम लोगों को दिखाते हैं क्या कुछ सिस्टम है। तो यार फिलहाल इसको समेटो, पहले इसको पहले समेटते हैं, समेट के रखते हैं, ये ना हो कोई चक के ले जाए। मेरे पास एक ही है, और तो है नहीं, बल्कि है एक लेकिन वो टूट चुका है। इसको रख के जूते पहनते हैं। तो भाई नमाज पढ़ ली है, नमाज पढ़ के हम लोग घूमने वाले हैं तैयार। पहले अंगूर शंगूर खा लें, उसके बाद हम लोग तैयार चल के पहनते हैं शूज। तो चल के सनसेट दिखाते हैं यार, बड़ा खूबसूरत लगता है वहां से। शूज पहन लिए हम लोग, रेडी हो चुके हैं यार, घर से निकल है, घर से निकल के आगे अब पैदल जाना है हमने। थोड़ा सा आगे जो है रोड क्रॉस करके फिर पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, सफर शुरू हो जाए यार। उसके बाद खूबसूरत खेत और बड़ा मजे का व्यू होता है। सूरज ढल चुका है, सनसेट ऑलरेडी हो चुका है। कोशिश करता हूँ जल्दी पहुँच जाऊँ, और ना पहुँचा तो यार आई एम सॉरी। दिखाने में आ गया सनसेट तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, हम लोग और बड़ी चीज़ें एंजॉय करने के लिए यार। यार ये हम लोग आ चुके हैं, ये वहाँ पे हमारा घर है, और यहाँ से बस 2 मिनट का फासला था, उसके बाद हमारा ट्रैक जो है यहाँ से शुरू हो जाता है। अभी आगे चलते हैं और ऐसा शुगल तो आ गया यार। ओके बस यार ये चेक करो, ये मेरे घर से बैक साइड है और बैक साइड के खेत हैं जो मैंने तुम लोगों को ऊपर खड़े होकर दिखाए थे, जहाँ से भैंसें चल रही थी, ये वो मेरे खेत हैं सारे। सांस फूल गई है लेकिन जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा ताकि कुछ मिस ना हो जाए। पहाड़ी वाली तरफ जा रहा हूँ मैं और पहाड़ी का सफ़र शुरू हो चुका है। तो भाई पहाड़ी चढ़ना शुरू, भाग भाग के चढ़ता हूँ ताकि सनसेट मिस ना हो जाए यार। यहाँ पे एक कुआं है, कुआं है और निकल रहा है इसमें से धुआं है, पता नहीं क्यों। भाई ये पैटर्न चेक करो, नज़र आ रहा है बड़ा खूबसूरत है। अभी हम जिगजैग करते हुए ना इसके ऊपर चढ़ेंगे ऐसे, ये चेक करो भाई। चलो भाई ओके, मारेगी मारेगी आ रही है, देख रही है ऐसे जैसे पकड़ के लगाएगी अभी दो। दिस इज द पीस। लोगों ने देखो धुआं फैलाया हुआ है, ऊपर चलते हैं यहाँ तक। मेरा प्रोग्राम था वहां तक तुम लोगों को लेके जाता, वो पीछे बड़ी पहाड़ी तक, लेकिन टाइम मैं गलत आ गया यार, रास्ता ही सारा ब्लॉक पड़ा है, थोड़ा मसला हो गया। अब मुझे यहाँ से फिर के दूसरी तरफ जाना पड़ेगा यार, इधर ये घास फूस इतना है, अंदर पता नहीं क्या होगा। तो यार चलते हैं ऊपर चल के दिखाते हैं। भाई एक छोटी सी जगह मिली है जो कि थोड़ी सी साफ है, अब आगे जाऊँगा तो बहुत लेट हो जाऊँगा। ये से फैलांगता हूँ इसको और ऊपर चढ़ता हूँ, इधर फंस गया। ओह मैन बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे, एंड फाइनली हम लोग पहुंच चुके। एक गलत कदम और बाजी यूं पलटती है भाई यार। ऑलमोस्ट मैं पहुंच चुका हूँ टाइम पे, सूरज जा चुका है नीचे, लेकिन यार इतना सा लेट हो गया। यह हमारा प्यारा दुलारा खूबसूरत कोटली शहर, इस तरफ हमारा आता है सारा दमोल। नाउ लुक एट दिस सीन्स, शाम शाम पड़ चुकी है, काफी ज्यादा सन्नाटा हो गया, और यहाँ पे बैठते हैं यार। मैं बैठ के यहाँ पे, बल्कि इधर नहीं उधर चल के बैठते हैं, जरा व्यूज वगैरह भी अच्छे हैं और सनसेट भी इंजॉय करेंगे। तो ये थे आज के कुछ तासुरात
और मनाजर थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे आ रहा है नीचे, इसको क्या कहते हैं, हम तो गांधी कहते हैं, इसका पौधे का कुछ नाम होता है यार, ये बहुत है कश्मीर में, बहुत है पाकिस्तान साइड से कोई देख रहा है ना तो आए करो, तो वहाँ पे ना लोग बैठे होते, इसकी डिमांड है सड़कों के नीचे, मेट्रो स्टेशन के नीचे, जस्ट किडिंग। और सूरज भी गरूब हो चुका है यार, ये चेक करो। और हम लोग भी बस अब चलने की करते हैं, मेरा प्रोग्राम था वहाँ ऊपर लेके चलता है यार, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है यार, इंशाल्लाह चलेंगे वहाँ पे भी किसी दिन चलेंगे। ये हमारा एक पॉइंट है जहाँ से शहर पूरा नज़र आता है, अच्छे से नज़र आता है, एक वो ऊपर पीछे शारदा, ये वाला पॉइंट नहीं, ये शारदा है, यहाँ पर भी एक पॉइंट है ये कोठी के साथ, और इसके अलावा ये पीछे नचियाल की पहाड़ियाँ सारी, उधर टिंडा किला की पहाड़ियाँ, वो पीछे बंजोसा तोली पीर उस साइड आ जाती है, और देन फर्दर आगे बहुत कुछ आता है, गंद शंद भी है। मैं कह रहा हूँ शाम से पहले पहले यहाँ से निकलते हैं, निकलने की करते हैं, कुछ अच्छा सा एक शॉट ले लेते हैं जो कि मैं लगाऊंगा अपने टाइटल थंबनेल पे, अगर ना लगा सका तो समझ लेना कि कोई आया नहीं था शॉट। यहाँ पे एक जगह बड़ी प्यारी सी मिल गई थी यहाँ पे रख के ना, तो यहाँ पे मैंने एक थंबनेल ले लिया, छोड़ो यार उसको, वो अच्छा नहीं था, ये वाला अच्छा आया, तो मैं इसको लगाऊंगा थंबनेल पे, सनसेट व्लॉग का नाम था तो सनसेट का थंबनेल तो आना चाहिए था कम से कम। तो एनीवे यार पेड़े शेडे भी देख रही हूँ कि मैं की करें दे आप यहाँ। सो एनीवे यार आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, अब मैं जा रहा हूँ नीचे, नीचे जाते हुए फिर से गन में घुसना पड़ेगा, ये ना फोन फिसल जाए या मैं फिसल जाऊँ, कुछ ना कुछ फिसलेगा। मैं एक दफ़ा देख लो यार, बड़ा खूबसूरत है, मैं चाहता था यहाँ से तुम लोगों को दिखाऊँ, लेकिन गंद शंद भी बहुत पड़ चुका है यार, सावन का मौसम है। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, और अब चलते हैं नीचे, मिलते हैं तुम लोगों से किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मुझे दुआ में याद रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो कि एक फॉर्मेलिटी है, बोलना मुझे आता नहीं है, लेकिन एनीवे आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।